हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सेकेंड आई मेकअप ट्यूटोरियल। तो उसे यानी कि आई शैडो कलर से बड़े क्यूट वाले आई शैडो कलर से तो उसे यूज करते हैं, खोल लेते हैं कौन सा वाला। तो ये वाला मैंने साइट पे दिखा हुआ था उनके, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो ये अनयूज वाला जो यूज़ वाला है वो निकालते हैं। अच्छा ठीक है, इसी से शुरू करते हैं। तो उनके साइड पे पहल दिया था, यहाँ से शुरू करना है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये पहले आपको मतलब कि फाउंडेशन से सेट करना पड़ता है, फिर प्राइमर करना पड़ता है। इसमें उस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए कर रहे हैं करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर रहे हैं कि अपना यानी कि डीप मेकअप नहीं करें, वो वाले वीडियो लाऊंगी। लेकिन अभी यानी लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करने थोड़े समय के लिए, जैसे कहीं जाना हुआ, मार्केट जाना हुआ या नहीं जाना हुआ, उस समय के लिए उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं पड़ता है। तो क्यूट सा है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आप अगर लगाएंगे भी तो मतलब मैंने पिछले बार जब फर्स्ट आई ट्यूटोरियल गया था उसमें मैंने जो किया था कम से कम वो अगले दिन तक था। तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है तो चलेगा, क्योंकि मैंने वो आके साफ़ नहीं किया था और रात में मैंने साफ़ नहीं किया था तो अगले दिन तक तो चलेगा ही। अगर रात में साफ़ कर लेते हैं कोई नहीं, बिना आइश मतलब बिना प्राइमर या फाउंडेशन के ये भी चल सकता है लॉन्ग लास्टिंग। तो यहाँ शुरू करें, सबसे पहले ये वाला कलर लेंगे जो कि हल्का पीच कलर है। पीच कलर, हाँ पीच कलर कर सकते हैं। तो हम ये हल्का पीच, इसमें हल्के ग्लिटर पार्टिकल्स हैं तो हम, और इसके कलर इतने सटल हैं मतलब इतने सिंपल हैं कि आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा कि आपने आँखों पर ये आई शेडो यूज़ किया है। इतने हल्के कलर तो आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैंने यूज़ किया। फिर मैं थोड़े हाई वाले ले आती हूँ तो हल्के आपको बहुत हल्का कलर लग रहा होगा। तो मैं इस साइड की आँखों पर कर लूँ, उतने ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं, बहुत हल्के पिगमेंटेड है इसीलिए। तो देख सकते हैं दोनों साइड के, अब लग नहीं रहा कि मैंने यहाँ सिर्फ हल्का कलर लग रहा है। तो अब उसके बाद हम उस आई शेडो पर जाएंगे, ये हल्का ग्लिटर्स पर। तो ये वाले ग्लिटर्स हैं तो हल्का ब्राउन ग्लिटर है तो इस पर जाना है। देख सकते हो कितना हल्का ग्लिटर, पता भी नहीं चलेगा। तो इस पर हम जाएंगे तो हल्का ये अभी लग रहा है कि ये शाइन दे रहा है। फिर एक बार और यूज़ करेंगे देख सकते हैं यहीं से पता चल रहा है कि हल्का शाइन दे रहा है। अभी इसे आप यूज़ करेंगे, पहले बार में ही शाइन पता चलता है। तो हम इसे अपने आँख के नीचे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, आईक्यू सोल कोरियन आईक्यू सोल के अनुसार यहाँ पर। लेकिन मैंने यहाँ भी कुछ किया नहीं है, मतलब यहाँ आपको क्या कहते हैं उसको, हाँ कंसीलर, कंसीलर से आपको यहाँ से अपने डार्क सर्कल्स हटा सकते हैं। उसके बाद अपने आईक्यू सोल मतलब यहाँ आँख के नीचे आप ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने दो बार किया, तीन बार पता नहीं, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि शाइन कर रहा है। तो हम ये वाला आई शेडो हल्का गोल्ड वाला ये यूज़ करेंगे। सॉरी मुझसे जा रहा है, ये देख सकते हैं हल्का, बहुत हल्का है, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा यहाँ से हल्का। इसे यूज़ करूँ
की प्रायोरिटी से यूज़ करनी ये दिखाएंगे। अभी आप साफ साफ देख सकते हैं कि मेरे आँखों पे कुछ लगा हुआ है, तो उसे यूज़ करनी। और उसके बाद इस आँख पे यूज़ करनी। फिर दोबारा करेंगे तो देख सकते हैं कि दोनों आँखों से आपको पता चल रहा है कि मैंने आई शैडो यूज़ किया हुआ है। तो अब देखते हैं पास लाके कि कैसा लगता है। तो देख सकते हैं कितना क्यूट ऐसा जो पैलेट है। तो पहले से पास लग बंद करके अपने और आँखों के पास लाके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हल्का सा ये मुझे नहीं दिखा। अब उस पर हल्का ग्लिटर यूज करेंगे। सॉरी मेरा चेहरा इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे को उतनी सुंदर नहीं मुझे लग रहा। ये रहा ग्लिटर और हम इसे हल्का सा यूज करेंगे तो थोड़ा सा और ग्लिटर को लग रहा है कि साफ कॉर्नर को पता नहीं आपको भी कॉर्नर पे आया था। हम इधर यूज़ करेंगे तो ये भी पूरे नहीं आ रहे हैं। ये एक बार और यूज़ करेंगे हम या उससे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से तो ये रहा मतलब ग्लिटर पार्टिकल जिससे इस्तेमाल किया है। तो हम लोग देखते हैं हंस लग के आप देख सकते हैं शाइन कर रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। और अगर हम उस पर कंसीलर भी मतलब अप्लाई करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे कभी कंसीलर खोजना पड़ेगा एक बार फिर से आँखों के नीचे ट्राई करती हूँ किया। इतना नहीं आ रहा फिर भी एक बार ट्राई करती हूँ। अभी मेरा चेहरा सॉरी उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने कहा कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। तो और कंसीलर मेरा ख़त्म हो चुका है तो कंसीलर को मुझे लाना पड़ेगा। ऑर्डर दे दिया है नायका से, मंगवाया है नायका का सेल में लेकिन अभी तो पहुंचा नहीं है। तो मेरा जैसा भी है मेरे चेहरे और मुखो जो है और फाउंडेशन और कंसीलर दोनों मंगवाया तो अभी जैसा भी मेरा चेहरा उसको सॉरी माफ़ कीजिएगा। अभी अपने सिर्फ आई शेडो पर ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते कितना क्यूट लग रहा है। एक बार फिर से हम नहीं उतना ही ठीक है उतना जाने ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है जैसे मैंने बताया पूरा ही आपको चलेगा। और अगर आप इस पर काजल और मस्कारा जो यूज़ करेंगे तो और बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कितना चमक दे रहे हैं। तो आज की ये वीडियो के लिए सॉरी ये आ नहीं रहा। आज के वीडियो के लिए इतना ही ट्यूटोरियल सॉरी मेरा मुझे सर्दी भी है और मेरा मतलब चेहरा उतना भी ये नहीं है अभी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने फाउंडेशन कंसीलर इस्तेमाल नहीं किया। वो मेरा फुल कवरेज वाला मेकअप वाला वीडियो आप जल्दी देखेंगे क्योंकि मैंने अपना सामान ऑर्डर कर दिया है। वो जब आएगा तो मैं आपको फुल कवरेज वाला मतलब एक पार्टी मेकअप लुक ज़रूर दिखाऊंगी या फुल कवरेज वाला मेकअप या फिर क्या कह सकते कोरियन मेकअप। और जो कोई मेकअप देखना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो ज़रूर बताइए कौन सा मेकअप देखना चाहते हैं। इसके लिए वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय और मेरे चैनल पर बने रहिए।